सीतापुर में सियासी आग क्या लगी कि दो मासूम जिंदा जल चुके हैं। घटना दरअसल लहरपुर थाने के पट्टी दहलिया इलाके की है। यहां पर गन्ने के सूखे पत्तों में लगाई गई आग ने ये पूरा का पूरा कोहराम मचा दिया, या यूं कहा जाए कि ऐसा तांडव मचा कि दो बच्चों की मौत हो चुकी है, ऐसे बस्ती जलकर खाक हो चुकी है। लोगों को जो आरोप है वो ये कि ग्राम प्रधान के चुनाव नहीं देने की वजह से प्रधान कमलेश वर्मा उसके समर्थकों ने उनकी बस्ती को आग लगवा दी। लोगों का कहना है कि कमलेश वर्मा ने चुनाव में वोट नहीं देने पर बस्ती को जलाने की धमकी दी थी, और लोगों का ये भी कहना है कि प्रधान ने जानबूझकर गन्ने के सूखे पत्तों में आग लगवाई ताकि जो हादसा है वो मालूम पड़े। और इस हादसे में 8 साल का मुकेश और 4 साल की प्रियांशी ने दम तोड़ दिया है। आग लगने पर दोनों भागकर जान बचाना चाह रही थी, लेकिन वो जान बचाने में कामयाब नहीं हो सके और दोनों मासूम जो हैं वो मौत के शिकार हो बैठे। घटना के बाद आरोपी प्रधान और उसके गुर्गे फरार है। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव पसरा हुआ है और मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और इस आगजनी में दलित बस्ती के करीब 25 घर खाक। दुश्मनी थी उनसे गांव वालों से या क्या था? वोट मारी है ना दबा है। कितने बच्चों की मौत हुई है? बच्चा बता दे। एक लड़की एक लड़का। लापरवाही के चलते ये बता रहे हैं गांव में लोग कि चिंगारी से जो घास फूस के मकान थे अगल बगल के उनमें आग लग गई, जिसमें कुछ जानवर और दो बच्चों की मौत हो गई है। अभी पूरी जांच की जा रही है, जो भी मौके पे जांच में पाया जाएगा, जो तहरीर मिलेगी उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा के लिए भेज दिया गया है। और सीतापुर से हमारे साथ फोन लाइन पर मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद, ये कैसी चुनावी आग कि पूरा का पूरा गांव या यूं कहा जाए कि मवेशी से लेकर दो मासूम बच्चों सहित बहुत ज्यादा नुकसान। मोहम्मद रिजवान, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो मोहम्मद रिजवान के पास मैं वापस आ रही हूं, लेकिन यहां पर हो सकता है उन पर आवाज ना पहुंच पाए, लेकिन खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। इसको चुनावी आग का रूप दिया जा रहा है। चुनावी आग में दो मासूमों की मौत हो चुकी है और जितने भी घर यहां पर इस गांव में मौजूद थे सब स्वाहा हो चुके हैं। मवेशियों को नुकसान पहुंचा है और निश्चित तौर पर जो दो मासूम बच्चों का नुकसान है उसकी भरपाई ताउम्र नहीं हो पाएगी। 1 8 साल और 1 4 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। इस आग की भेंट चढ़ गए दो मासूम बच्चे।